तो लूज फिट टी शर्ट के ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ जिसके ऊपर आपको काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया था, तो वही देखते हैं। आज हमने दोबारा से मंगाई है आजियो ऐप से 3 और लूज फिट टी शर्ट। तो जल्दी से एक करके इन टी शर्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कौन सी टी शर्ट आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो ये आ चुकी है पहली टी शर्ट जिसका कलर कॉम्बिनेशन देख के आपकी आंखें चमक जाएंगी। तो सबसे पहले अगर टी शर्ट की बात करें तो ये आपको मिल जाती है पर्पल कलर के अंदर, जो कि भाई साइड के ऊपर भी अच्छी लग रही थी और रियल के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो अगर हम टी शर्ट की फ्रंट साइड की बात करें तो पर्पल के ऊपर आपको व्हाइट एंड येलो कलर का एक प्रिंट मिल जाता है, और जो प्रिंट आपको मिलता है यहाँ लिखा गया है सैन फ्रांसिस्को, और उसके नीचे आपको बास्केटबॉल खेलता हुआ एक प्लेयर मिल जाता है, और जो प्रिंट की क्वालिटी ये भी मुझे काफी सही लग रही है। बस आपका एक चीज ध्यान रखना है कि इसके ऊपर डायरेक्ट आयरन नहीं करनी है, वरना तो आपका जो प्रिंट है वो भाई 2 दिन के अंदर खराब हो जाएगा, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको एक अलग से अटैच क्या मिल जाता है जिसके अंदर आपको 2 कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, येलो एंड व्हाइट कलर, और यही सेम स्ट्रेचेबल मटेरियल आपको इनकी कॉलर के ऊपर भी मिल जाता है, और इस डिजाइन की वजह से भाई पूरी टी शर्ट का जो लुक है ना वो काफी ज्यादा बदल गया है। टी शर्ट की फिनिशिंग देखेंगे ना तो भाई ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, यानी कि जो स्टिचिंग वगैरह है या जो मटेरियल वगैरह है ना भाई काफी अच्छा यहाँ पे यूज किया गया है, और मटेरियल से हमारे याद आया कि भाई ये टी शर्ट आपको 100% कॉटन मिल जाती है, जो कि भाई फील करने से अच्छी लग रही है, और समर के अंदर भाई ये मटेरियल काफी ज्यादा बेस्ट होता है, और ये टी शर्ट पहनने के अंदर एक लुक दे रही थी, यानी कि पहनने के अंदर कंफर्टेबल थी, साथ में इसका जो डिजाइन है ये आपको बॉक्सी फिट के अंदर मिलता है। तो ये टी शर्ट हमने मंगाई थी 520 रुपए के अंदर, जो कि मुझे वर्थ इट लगा है, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर ट्राई करके देख सकते हैं, इसका भी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आ चुका हमारी दूसरी टी शर्ट जो कि आपको सेम मैंने एक ब्रांड की मिल जाती है, और ये टी शर्ट ना थोड़ी सी डिफरेंट आपको मिलती है, यानी कि इसके ऊपर आपको किसी तरह का प्रिंट नहीं मिलता जो कि अलग से लगाया गया, और इसके ऊपर आपको टाई डाई वाला जो इफेक्ट है ना वो देखने को मिलता है, और ये जो पूरा का पूरा डिजाइन है ना ये आपको पूरी टी शर्ट के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई काफी ज्यादा डिफरेंट लेवल का लगता है। तो अगर हम टी शर्ट के ओवरऑल व्यू की बात करें तो जो टी शर्ट की कॉलर है ये आपको थोड़ी स्ट्रेचेबल मिलने वाली है, एंड उसी के साथ में यहाँ पे आपको अंदर वाली साइड मैनिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, एंड जो पूरी टी शर्ट के ऊपर अगर आप डिटेलिंग देखें ना भाई इसके ऊपर काफी अच्छे से वर्क किया गया, यानी कि अगर आप आजियो के ऊपर जब ये टी शर्ट बाय करते हैं ना भाई एक बात तो कहने की है कि जो आप पैसे इसके ऊपर लगाते हैं ना वो बिल्कुल वर्थ इट होता है, यानी कि ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो पैसा है बर्बाद हो गया, और ये टी शर्ट भाई देखने के साथ साथ पहनने के अंदर भी मुझे कंफर्टेबल लगी है, क्योंकि ये टी शर्ट आपको थोड़ी लूज मिल जाती है लेकिन इसका जो लेंथ है ये आपको रेगुलर से ज्यादा मिलने वाली है। और अगर मैं इस टी शर्ट के मटेरियल की बात करूं तो भाई ये टी शर्ट भी आपको 100% कॉटन की मिल जाती है। तो इसके अलावा अगर हम टी शर्ट की प्राइसिंग की बात करें तो ये हमने मंगाई थी 400 रुपए के अंदर, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, और इस टी शर्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आ चुकी हमारी लास्ट एंड द बेस्ट टी शर्ट जो कि आपको मिल जाती है होलैंडर ब्रांड की। तो सबसे पहले अगर टी शर्ट की फ्रंट साइड की बात की जाए तो क्रीम एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको एक प्रिंट मिलता है जिससे कि यहाँ पे लिखा गया है न्यूयॉर्क, जो कि ग्रे कलर के अंदर है। ये प्रिंट ना भाई आपको टी शर्ट के ऊपर ही मिलता है, जब हम स्टिचिंग वगैरह से जो प्रिंट बनाते हैं ना सेम वही प्रिंट आपको मिलता है। उसके अलावा जो टी शर्ट की कॉलर है यहाँ पे आपको लाइनिंग स्ट्रेचेबल मटेरियल मिल जाता है, एंड अंदर वाली साइड आपको होलैंडर की ब्रांडिंग मिलने वाली है, और इसके अलावा भाई पूरी टी शर्ट आपको ग्रे कलर के अंदर मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग भी मिल जाती है, जिससे कि आपके जो टी शर्ट वगैरह ना भाई वो लॉन्ग टर्म तक चल सकती है आराम से। और अगर इस टी शर्ट के मटेरियल की बात करूं तो ये आपको 100% कॉटन की मिल जाती है, जो कि भाई फील करने से ना आपको पता लगने वाला है। उसके अलावा जब हमने इसे पहनकर ट्राई किया तो पहनने के अंदर कंफर्टेबल थी, जो इसका मटेरियल है काफी ज्यादा सॉफ्ट आपको मिलता है, या कलर कॉम्बिनेशन है भाई ये तो एक अलग ही लेवल का आपको मिलने वाला है। और ये टी शर्ट भी हमने मंगाई थी 350 रुपए के अंदर, जो कि मुझे वर्थ इट लगा है, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ यूनिक पहनना चाहते हैं तो भाई आप एक बार जरूर इसे ट्राई करके देख सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी 3 लूज फिट टी शर्ट जो कि हमने मंगाई थी आजियो ब्रांड से, और भाई तीनों की ही क्वालिटी मुझे भाई सुप्रीम लगी है। तो गाइस बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही था, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज वगैरह तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।